गुड इवनिंग, मैं सरस मौर्य आप सभी का अपने चैनल एसएम ट्रांसलेशन में स्वागत करता हूँ। आप सभी को एसएम ट्रांसलेशन की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है भविष्य अनिश्चित काल। इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में ता होगी, ती होगी, ते होंगे या फिर गा गेगी आए, जिससे लगे कि यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है और वो अनिश्चित है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन उन्हीं वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक वर्ड भी आ जाए, ठीक, प्रश्न सूचक वर्ड भी आ जाए, या शुरू में या बीच में, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। यानी जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब वाक्य के बीच में आए या फिर पहले आए, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। अब देखिए, इसमें दो होता है, दो तरीके से, जब क्या से शुरू हो, क्या से वाक्य शुरू हो, वाक्य शुरू हो, तो उसके लिए हम लोग विल या शैल को सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कहां, यदि वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका अनुवाद करते समय हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखिए, क्या जब आए तो हम उसकी अंग्रेजी वाक नहीं लिखते हैं, बल्कि विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में, बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, ठीक, शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, ये सब वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर इसका रूल देखा जाए, इसका रूल, तो इसका रूल हो जाएगा क्या के लिए, ठीक, क्या के जब शुरू हो, क्या के लिए, तो ये हो जाएगा विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ये जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य क्या से शुरू हो, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इस नियम का सहायता लेते हैं, ठीक। लेकिन जब कोई वाक्य प्रश्न सूचक, यानी जब कोई वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए, बीच वाला आए, बीच में आए, बीच में जब आए, तो उसका रूल हम लोग बनाते हैं, जब ये प्रश्न सूचक वाक्य बीच, प्रश्न सूचक वर्ड वाक्य के बीच में आए, तो उसके लिए रूल होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन सो ऑन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो विल या शैल। अब देखिए, विल जो होता है उससे सभी के साथ लगते हैं, लेकिन शैल जो है सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल, बाकी जितने भी बचेंगे उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल इनका एक बार फिर से हम समझा दें, जब क्या से, क्या शब्द से कोई वाक्य शुरू होगा तो हम उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं बल्कि विल या शैल सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या वाक्य के बीच में आए, तो क्वेश्चन वर्ड यानी उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, से तुम, क्यों, बोलते होगे, ऐसे देखो, तुम क्यों बोलते होगे, तो इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा तो हो जाएगा, अब देखिए क्यों बीच में आया तो सबसे पहले ये वाला रूल लगेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, यानी वाई, अब वाई तुम के साथ, देखिए आई और वी के साथ बस सर लगता है, बाकी से सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, तो वाई विल यू स्पीक,
यानी तुम क्यों बोलते होगे या तुम क्यों बोलोगे, ऐसा वाक्य मिले। जैसे कोई और एग्जांपल दे दे, क्या मैं अपने घर जाऊंगा, क्या मैं अपने घर जाऊंगा। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेज क्या से आया है तो विल या सेल। अब देखिए सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमेशा सेल, सेल आई। उसके बाद देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है वर्ब, क्रिया क्या है, गो, गो टू माई होम। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर और देखा जाए एग्जांपल, जैसे राधा कब पढ़ेगी, राधा कब पढ़ेगी, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी व्हेन। अब राधा के साथ हमेशा आता है विल, व्हेन विल राधा रीड। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे आपको एग्जांपल मिलेंगे, आप इन नियमों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे और दे दे, क्या आप यहां आएंगे, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या से शुरू हुआ है, तो आप यानी यू, यू के साथ विल, विल यू कम हियर, यानी क्या आप यहां आएंगे। ऐसे जब आपको वाक्य मिले तो ऐसे इन इस इन दोनों रूल से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और देखिए जैसे तुम्हारा भाई कैसे गाली देता होगा, ऐसे दे दे। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे, सबसे पहले हाउ, उसके बाद विल, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर, योर ब्रदर, इतना सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है क्रिया, इसमें क्या है क्रिया, गाली देना, गाली देना अब्यूज होता है, अब्यूज यानी तुम्हारा भाई कैसे गाली देता होगा, हाउ विल योर ब्रदर अब्यूज। और एग्जांपल देखें, वह क्या पढ़ता होगा, इसको ट्रांसलेट करें तो आ जाएगा सबसे पहले क्या, वो बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, यानी Why will he read? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।